दोस्तों, कैटरपिलर एक ऐसा जीव है जो हमेशा पेड़ पौधों और बगीचों में आसानी से मिल जाते हैं, और आज तक हमने जिन कैटरपिलर्स को देखा है वो भी एक सामान्य कैटरपिलर है। आपको बता दूं कि इस दुनिया में कैटरपिलर्स की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, और आज इस वीडियो में मैं कैटरपिलर्स की कुछ ऐसी प्रजातियां लेकर आया हूँ जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, प्रूव लाइन आउटलेट मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर अमेरिका में पाया जाता है और ये भूरे रंग का होता है। बात करें इसके रूप की तो ये कैटरपिलर किसी सड़े हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है, जो एक तरह का छलावरण है। अगर ये किसी पौधे पर मौजूद भी हो तो आप इसे आसानी से नहीं देख पाओगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत ही अलग तरह का होता है, और इसकी 20 प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती है। इसका आकार 2 से 2.5 इंच के बीच होता है। आपको बता दूं कि जंगलों की लगातार कटाई के कारण इस कैटरपिलर की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 7, द स्पाइस बस स्वॉलोटेल कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर बहुत ही अजीब है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल किसी कार्टून की तरह दिखाई देता है। इसके सिर पर 2 बड़ी-बड़ी आंखें होती है जो बिल्कुल किसी सांप की तरह लगती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये आंखें नकली है। ये नकली आंखें इस कैटरपिलर के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि सांप की तरह दिखने वाली ये आंखें इसके शिकारियों को इससे दूर रखने में मदद करती है। जब इसके शिकारी इसके पास आने की कोशिश करते हैं तो इसकी नकली आंखों को देखकर वो दूर भाग जाते हैं। कमाल है ना। नंबर 6, द पुश मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर जितना अजीब है उतना ही जहरीला भी। असल में ये कैटरपिलर सबसे जहरीले कैटरपिलर्स में से एक है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये कैटरपिलर अक्सर पेड़ पौधों और झाड़ियों में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर छायादार वाली जगहों पर रहना पसंद करता है। इस कैटरपिलर के शरीर में दोनों तरफ हरा रंग होता है और ऊपरी हिस्से पर भूरा रंग होता है, और इसके पीछे से 2 कांटे निकले होते हैं। अगर इन कांटों को किसी ने छू लिया तो इसके जहर से शरीर में बहुत सी एलर्जीज पैदा हो जाती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स और सांस की बीमारी। नंबर 5, फ्लैनल मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, कैटरपिलर की ये प्रजाति बहुत ही अजीब है क्योंकि इसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। ये एक असामान्य कैटरपिलर है जो किसी भी रंग रूप का हो सकता है। ये आमतौर पर ओक, अल्म और प्लम ट्रीज में पाए जाते हैं। वैसे देखने में ये आपको प्यारा लग सकता है, लेकिन ये जितना प्यारा होता है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ये जहरीला होता है। अगर आपने इसे छू लिया तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स, सिर दर्द और बदन दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इसलिए अगर आपको ये कहीं दिख जाए तो उससे दूर ही रहिएगा। नंबर 4, द सिक्रोपिमा मोथ कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये कैटरपिलर अपने आप में एक राक्षस है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। जब बात कैटरपिलर्स के आकार की होती है तो ये कैटरपिलर्स सामान्यतः छोटे होते हैं, लेकिन ये असामान्य रूप से बहुत बड़ा और मोटा होता है। बात करें इसके रूप की तो ये हरे रंग का होता है, और इसके शरीर पर कांटेदार सर्कल बने होते हैं। ये सर्कल अलग अलग रंगों के होते हैं जिसमें लाल और पीला रंग भी शामिल है, और ये अपना सारा जीवन खाने में ही बिता देता है। नंबर 3, द ज्वेल कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर एक जेली की तरह दिखाई देता है, और एक हद तक ये ट्रांसपेरेंट जैसा होता है। वैसे इसका नाम इसके रूप के आधार पर रखा गया है। अब इसके रूप की तारीफ शब्दों में करना थोड़ा मुश्किल है, आप इसे खुद ही देखकर समझ सकते हैं। बात करें इसके आकार की तो ये बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1/2 इंच के बराबर। ये कैटरपिलर आपको बहुत से रंगों में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इसे दूर से भी देख लिया तो शायद ये आपको कांच का कोई सामान भी लग सकता है, क्योंकि इसका ट्रांसपेरेंट लुक इसे सभी कैटरपिलर से बहुत सुंदर बनाता है। नंबर 2, द मंकी स्लग कैटरपिलर। दोस्तों, इसे हग मौत कैटरपिलर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे देखकर धोखा खा जाते हैं। वो इसलिए कि ये एक हद तक मकड़ी के जैसा दिखाई देता है। इसके शरीर पर बहुत सारे पैर होते हैं जो सच में पैर नहीं होते। बात करें इसके रूप की तो इसका शरीर चपटा होता है। आपको बता दूं कि कैटरपिलर की ये प्रजाति कैटरपिलर की तरह नहीं दिखती। अगर आपने अचानक इसे कहीं देख लिया तो आप इसे कोई दूसरा कीड़ा समझकर आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ये कैटरपिलर आपको अमेरिका और कनाडा में आसानी से मिल जाएगा।
नंबर एक, द हिकरी हॉर्नड डेविल। दोस्तों इस कैटरपिलर का नाम इसके रूप के आधार पर रखा गया है। बात करें इसके रूप की तो इसका शरीर हरे रंग का होता है जिस पर काले रंग के छोटे छोटे कांटे उगे होते हैं और सिर के पास नारंगी रंग के बड़े बड़े सिंग होते हैं जो इस कैटरपिलर को दूसरे कैटरपिलर से अलग करता है और इसी सिंग के कारण इसे डेविल कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये कैटरपिलर अपने जीवन के शुरुआती दिनों में नीले रंग का होता है लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है तो इसका रंग गहरा हरा होने लगता है। बात करें इसके आकार की तो इसका आकार 6 इंच तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब कैटरपिलर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।